अगर अब आलिया ने तुम्हें तलाक दे भी दी ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अम्मी ने कहा है कि हनूर से जाकर कहो अगर वो ये शादी डिले करना चाहते हैं तो वो खुद भी मर जाए और अपनी माँ को भी जहर देकर मार दे, सिवाय मौत की अब ये शादी नहीं रुक सकती। क्या ये अम्मी ने क्या कह दिया? यही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आलियान से कोई बात हुई? हाँ वो आ जाया था मॉल। मॉल में किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लेकिन हकीकत यही है हानू, ना ही दानिश मुझे छोड़ेगा और ना ही आलियान पीछे हटेगा। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। सुनो, तुम आलियान की मां से बात कर सकती हो? उसकी मां ने सुसाइड अटेम्प्ट किए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके घर में कोई तो होगा ना, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन या फिर कोई और? उसका कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है वो। अच्छा, मतलब सड़क छाप? वो सड़क छाप नहीं है, एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें बेवकूफ कैसे बना दिया। एक तमीजदार लड़का जिसकी ना तो माँ ने तरबियत की और ना ही बाप ने, तुमने आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लिया? आलियान का नंबर दो, मैं उससे खुद बात करती हूँ। मानूर मुझे नंबर दो। वो पाकिस्तान में नहीं है, लंदन जा रहे अपनी अम्मी को लेके। उसकी अम्मी बीमार है, लेकिन वो आ जाएगा एक हफ्ते में। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी और वो तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया। देखो मानूर, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तुम शर्मिंदा कर रही हो मुझे। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, आप बताएं क्यों कॉल किया? ये जानने के लिए कि फूड कोर्ट में जो लड़का तुम्हारे साथ था वो कौन था? क्या हुआ मानूर, चुप क्यों? कौन कौन सा लड़का? मुझे तो नहीं याद।
भाभी के आने से कुछ देर पहले ही तुम उससे बात कर रही थी। हाँ हाँ याद आया, वो मुझसे शॉप का पूछ रहा था तो मैंने उसे बता दिया।